हेलो गाइस, वीडियो टाइम फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आज हम देखेंगे मूवी मैटर वीडियो एडिटर के बारे में कि कैसे हम इसमें वीडियो एडिटिंग करेंगे और कितना बेस्ट है आपके लिए एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने छोटे से इंट्रो के साथ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम मूवी मैटर वीडियो एडिटर प्रो को ओपन कर चुके हैं। सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। सबसे पहले यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस इसमें रखना चाहते हैं। 69 है, हम इसको ओके करेंगे। यूट्यूब के लिए आपका बेस्ट रहता है। सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको बहुत ही क्लीन यू आई डिज़ाइन मिलेंगी। आप देख सकते हैं नीचे आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स और ये सब नहीं दिए गए, बहुत ही क्लीन यहाँ पर आपको फीचर्स और डिज़ाइन दी गई है। और एक बात, यहाँ पे जो मूवी मैटर है आपका विंडोज़ के लिए है और मैक के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप बैकग्राउंड यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप मूवी एडिटर फिल्टर को जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे कुछ वीडियोज़ फुटेज को। तो यहाँ पर एक ऊपर आपको एक आइकन मिल जाता है, ओपन अ वीडियो एडिटर और इमेज फाइल। इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे वीडियो और इमेज को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वीडियो को जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ वीडियो है, वीडियो को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है नीचे आ चुकी हैं और जो भी वीडियो सेलेक्ट रहेगी वो आपकी यहाँ पर व्यू में आपकी प्ले भी हो जाएगी डायरेक्ट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वीडियो को आप नीचे लेयर पे ला सकते हैं, नीचे आपको लेयर मिल जाती है। ये तो मेन्यू होगी, अभी आपकी वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसमें यूज़ करना है। यहाँ पे आपको एक आइकन मिलता है, डिस्प्ले मेन्यू ऑफ एडिशनल एक्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल ये मिल जाएगा, जैसे ऑडियो ट्रैक ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं नीचे। यहाँ फ़िलहाल सबका एक एक ट्रैक दिया गया होगा, ऑडियो का, वीडियो का, ओवरले का। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर एडिशनल ट्रैक जो है ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कैसे हमको इंपोर्ट करना है वीडियो अपनी टाइमलाइन पे, यहाँ पे एक प्लस की बटन मिलती है, इस पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो की क्लिप जो है आपके टाइमलाइन पे आ जाएगी। यहाँ पे इसकी टाइमलाइन को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यानी कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फिट रहेगी जितनी भी आपका विंडो रहेगी। यहाँ पर वीडियो को आप प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की वीडियो है। ऊपर आपको यहाँ पे वीडियो को ट्रिम करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, इस पर ट्रिम कर सकते हैं, वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं। यानी उसी तरह यहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाता है, चेंज पोजीशन साइज ऑफ क्लिप। इस पर क्लिक करके आप इसकी साइज़ यानी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो जिस भी वीडियो को आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपको कुछ ऑप्शन जो है हाईलाइट हो जाएंगे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे। एक तरीके से कहते हैं जूम करने का ऑप्शन है। इसी तरह अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन दिया गया, क्रॉप कर सकते हैं वीडियो को। जैसे क्लिक करेंगे आपकी जिस तरीके से आपका दूसरे आफ्टर इफेक्ट हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, जिसमें स्लाइडर्स दिया गया रहता है, इस पर क्लिक करके आप इसके स्लाइडर को आप कम बढ़ती कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे स्लाइडर जो है ओपन हो जाएगा। इसका पैरामीटर्स से मालूम रखना होगा कि कितना पैरामीटर्स रखना है, लेफ्ट से रखना है कि फॉग ऊपर से रखना है। ये सब आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका पैरामीटर यहाँ पर लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट ओवरले में लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट का प्रीसेट जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी एनिमेशन लगाने के बाद उस एनिमेशन में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप स्लाइडर की मदद से चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से कितना आपको रखना है ये स्लाइडर से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउट लोअर स्लाइड, तो इस पर क्लिक करके आप प्ले करके देखेंगे क्या इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि ये एग्ज़िट के लिए दिया गया है कि जब आउट होगा तो किस तरीके का एनिमेशन आएगा। तो यहाँ से हम आखिर में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा आइकन, ये एक्चुअली जो है की फ्रेमिंग का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका की फ्रेम का जो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसको प्ले करके देखते हैं किस तरीके का इफेक्ट आया है। तो इस तरीके का इफेक्ट आपका आएगा, एग्ज़िट जो होगा नीचे आ जाएगा। तो ये एक बेसिक टेक्स्ट इफेक्ट है। इसे दूसरी वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रैग करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके बाद वीडियो पे क्लिक करके आप इसमें चेंजेस जो करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। आगे आपको एक बटन मिल जाएगी फिल्टर्स की, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़िल्टर जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स मिल जाएंगे ऑडियो के, उसके नीचे आपको फेड इन फेड आउट, रोटेट,
साइज़ पोजीशन, कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग पे क्लिक करके आप कलर ग्रेडिंग का जो है ऑप्शन ओपन कर लेंगे। तो इस फिल्टर्स के अंदर आपको और भी दूसरे फिल्टर से मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे, आप चाहते हैं कि किसी वीडियोस के फ़िल्टर को देखना, तो नीचे आपको वीडियो की बटन मिलती है। इस तरह ऑडियो पे जाना चाहते हैं तो ऑडियो का फ़िल्टर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे वीडियो में जाते हैं और यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या क्या आपको मिल जा रहा है। टेक्स्ट में भी आपको कुछ मिल जा रहा है, 3D टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। अब इस इफ़ेक्ट को आप कितना रखना चाहते हैं इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर दूसरे इफ़ेक्ट को लगाना चाहते हैं तो आपको फिर से यहाँ पे आना होगा इफ़ेक्ट में। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है, किसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो कलर के लिए आप अलग टूल्स दिया गया है, तो आप कलर में जाके अलग अलग यहाँ पे जो प्रीसेट्स हैं इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और इनके स्लाइडर को आप आगे करके यहाँ पे ऊपर प्रीसेट्स लगता रहेगा। यहाँ पे नीचे आपको की फ्रेमिंग का ऑप्शन भी मिलता है, की फ्रेमिंग आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं कि कितने इस पर आपका ये सेचुरेशन या ये आए, तो ये आप की फ्रेमिंग की मदद से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यानी इन एनिमेशन कितना हो, आउट एनिमेशन इस तरीके से हो, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इनेबल की फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आपका की फ्रेम जो है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा इस तरीके से। इसको डिलीट करने के लिए आपको माइनस बटन मिलती है, इस पर क्लिक करके आप इसको माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका की फ्रेम जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से प्ले करके देखेंगे तो आपका इफेक्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो है बहुत ही यूज़फुल है, फ़िल्टर्स की मदद से आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं एक जगह पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो नीचे आपको ना देखे डायरेक्ट इसको एक मेन्यू के अंदर रख दिया गया है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस फिल्टर्स के अंदर आपको किस तरीके का इफ़ेक्ट मिल जा रहा है। इसी तरह नीचे आपको एक टैब मिल जाता है बेसिक प्रोसेसिंग का, इसमें पर्सपेक्टिव अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो इसका पर्सपेक्टिव जो है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस तरीके से आप रखना चाहते हैं तो इस स्लाइडर को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इस तरीके से पर्सपेक्टिव आपका दिखेगा। आप प्ले करके वीडियो देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपकी वीडियो जो है दिखेगी। तो इस तरीके अगर आप कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे ये मिल जा रहे हैं कॉर्नर को कंट्रोल करने का, किस तरह का कॉर्नर कितने पे रखना है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो को यूज़ किए होंगे तो उसमें भी इसी तरीके के स्लाइडर आपको दिखेंगे, तो इनको यूज़ करके आप इस तरीके इफ़ेक्ट आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं जितने भी हम स्लाइडर से लगाए थे। इसी तरह यहाँ पर फैड इन फैड आउट दिया गया, कितने इस पे ये फैड इन आएगा, जब वीडियो स्टार्ट होगी तो फैड इन होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्मूथ फैड इन आ रहा है। इस तरह यहाँ पे आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसको आप कम बढ़ती कर सकते हैं। इस तरह नीचे आप आएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। रोटेट के ऑप्शन हो गया, या क्रॉप करने का, या ट्रिम करने का ऑप्शन हो गया, बेसिक कलरिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम वीडियो को जो है थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं दो जगह, और कलर का जो बेसिक टूल है इसको आप जाएंगे इस तरीके से ड्रैग करेंगे कंट्रास्ट को। आप कंट्रास्ट को कितना आप कम बढ़ती रखना चाहते हैं इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। प्ले करके देखेंगे दोनों में यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख जाएगा। इसी तरह नीचे आएंगे आपको डीनोइस और इसका ऑप्शन दिया गया, इसको यूज़ कर सकते हैं। 3D डीनोइस दिया गया है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपके दूसरे इस तरीके के बेसिक जो वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर आपको इस तरीके के सॉफ्टवेयर उनके अंदर आपको इस तरह के टूल नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह के टूल जो आपको बेतहाशा मिलते हैं। इसी तरह अगर आप ऑडियो में एडिटिंग करना चाहते हैं तो एक ऑडियो का टैब मिलता है, यहाँ पे आप बैलेंस बना सकते हैं, बैंड पास कर सकते हैं, कॉपी चैनल कर सकते हैं, यानी बहुत आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ऑडियो के भी। इनकी मदद से आप ऑडियो में बहुत ज़्यादा कमांड हासिल कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट के अंदर आपको उतने ज़्यादा टेक्स्ट के प्रीसेट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे सब टाइटल और लोअर थर्ड आप मिल जाते हैं, इनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। इस तरीके से आपका लोअर थर्ड जो है दिखेगा। यहाँ पर आके आप अपना नेम और ये सब चेंज कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जा रहा है, उतने अच्छे जैसे दूसरे इसमें रहते हैं इंट्रो उस तरह ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोअर थर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टिकर्स, स्टिकर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब स्टिकर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लगाएंगे स्टिकर आपका लग जाएगा। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है म्यूज़िक साउंड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको म्यूज़िक साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई साउंड इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो साउंड इफ़ेक्ट भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ऑडियो को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो जो है यहाँ पे रिकॉर्ड
होना शुरू हो जाएगी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नेम देंगे कि ये नेम से हमको स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडियो की जो है रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ओवर वॉइस भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और ऑडियो की लेयर जो है आपके नीचे आ जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पे आपको अगर इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आपकी माउस की जो व्हील होती है यानी पहिया होती है, इसको आप इस तरीके से आगे पीछे करके अपनी जो भी टाइम लाइन रहेगी उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे चेंज आस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक करके इसका आस्पेक्ट रेशियो जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके इसकी जो ड्यूरेशन है इसको आप कम बढ़ती कर सकते हैं, उतना स्मूथ आपकी वीडियो चलेगी। यानी अगर आप इस तरीके स्लो मोशन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको स्लो मोशन में भी आप इफ़ेक्ट को जो है चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। आप वीडियो को आप एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको एक बटन मिलती है एक्सपोर्ट वीडियो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कस्टम ऑप्शन मिलता है, कस्टम में जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एडवांस में जाके कि कितना आपको एस्पेक्ट रेशियो रखना है। कोड यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि किस कोडिंग में आपको रखना है तो हो जाएगा, या अदरवाइज वीडियो में जाएंगे तो आपको कुछ यहाँ पर प्रीसेट से मिल जाते हैं। जैसे MP4 के लिए MP4 सिलेक्ट है, आपको सिंपली एक्सपोर्ट फाइल पर क्लिक करना होगा। कहाँ पे रखना है आप वीडियोज़ में ये जाएगा, टेस्ट के नाम से हम लिख देते हैं टेस्ट। सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप परसेंटेज चालू हो चुका है, तो उतनी देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने विंडोज़ के अंदर, और अगर आपके पास मैक है तो मैक के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको स्टॉप करते हैं, एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो क्लिप लंबी है और ये वीडियो क्लिप जो है 4K में, तो इनको स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप सीख गए होंगे कि मूवी मैटर वीडियोस एडिटर प्रो के अंदर आप कैसे वीडियो एडिटिंग करेंगे। इसके बाद भी अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।